हाय गाइस, वेलकम बैक। तो भाई, वीडियो का टाइटल तो तुमने पढ़ ही लिया होगा, यहाँ भी पढ़ लो। आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि जो भी हम पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं रहता, तो उसको याद कैसे रखें। एग्जाम्स टाइम तक हम भूल जाते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, ठीक है? छोटी छोटी टिप्स हैं जिसमें से तुम्हें बहुत सारी पता भी होगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर की टिप। तो सबसे पहले देखो, तुम्हें अपने एफर्ट्स को ना दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब एक 90%, एक 10%। तुम अपने एफर्ट्स का 90% लगाओ नई चीज़ को करने में और 10% जो पुरानी हो गई उस पर। मतलब समझ नहीं आया, मैं समझाती हूँ। तुम कोई भी चैप्टर है पढ़ने बैठ रहे हो, आज मान लो नया चैप्टर तुमने शुरू कर लिया। अब तुम क्या करो, अपने 90% एफर्ट्स लगाओ उस नए चैप्टर को पढ़ने में, उसको सीखने में, उसको समझने में, उसके कॉन्सेप्ट्स पे। बट तुम्हारे 10% एफर्ट्स लगने चाहिए जो तुम्हें पिछला करा है ना, उसको रिवाइज करने में, उसको याद करने में। मतलब कि तुम्हें हर रोज 10 मिनट 15 मिनट पिछले दिन का रिवाइज करना है। सिंपल सी ये कहने की बात है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम पढ़ने बैठ रहे हो, तुम्हें करना कुछ नहीं है। तुम मान लो 1 घंटा पढ़ोगे अकाउंट्स या बिजनेस स्टडीज या फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी तुम्हारा चैप्टर है। अब तुम्हें 10 मिनट निकालनी है या 15 मिनट, पिछले दिन तुमने जो भी करा था उसको फटाफट रिवाइज करना है। बस ये चीज़ करनी है तुम्हें। मतलब देखते हो, मतलब रिविजन से क्या होता है ना कि हम जल्दी चीज़ों को ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। तुम्हें पता होगा, कोई भी गाना हम बार बार सुनते हैं तो अपने आप याद हो जाता है। हम उसमें एफर्ट्स नहीं डालते वैसे तो याद करने में किसी गाने को, और पहली बार भी सुनते हैं तो याद नहीं होता। बट 2-3-4 बार सुनते हैं तो हमें पूरा का पूरा गाना याद हो जाता है। तो सेम चीज़ है ना, रिपीटेशन जितनी ज़्यादा होगी तो उतने अच्छे से हमें याद भी रहेगा। फर्स्ट टिप तो यही है कि तुम्हें अपने एफर्ट्स को 90% और 10% में डिवाइड कर लेना, ठीक है? अब सेकेंड टिप आती है, रिविजन से रिलेटेड है। हर हफ्ते के एंड में तुम्हें रिवाइज करना है पूरे हफ्ते में जो हो गया। मतलब कि तुम्हारा मान लो एक हफ्ते में तुमने एक सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स करे हैं, तो तुम उन 2 चैप्टर्स को फटाफट क्विक रिविजन ले लो उसकी। बस डिटेल में पढ़ने की बात नहीं करनी, क्विक रिविजन लो। संडे को तुमने मान लो हफ्ते में 3 सब्जेक्ट पढ़े थे, तीनों के 2-2 चैप्टर किए, या 1 के 2 किए, 1 के 2 किए और 1 का 1 किया। तो तुम संडे को क्या करो, 2 घंटे लगाओ, 3 घंटे लगाओ, बट इन सभी को फटाफट अपने नोट्स से या फिर समरी वीडियोस देख के या जो कुछ भी है वन शॉट देख के, अपनी रीड करके, जो भी कैसे भी करना है वो रिवीजन तुम कर लो सभी, पूरे हफ्ते के जितना भी करा ना उसकी। तो तुम देखना आराम से तुम्हें हो जाएगा याद सब कुछ। ओके, नेक्स्ट चीज़ आती है कि सिखाना। मतलब हम किसी को सिखा देते हैं ना, किसी को समझा देते हैं, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। ये बात तुम्हें पता होगी। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जब भी तुम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी याद तुम्हें करना है, उसको समझा दो किसी को भी। कोई नहीं है समझाने के लिए तो एक और चीज़ तुम कर सकते हो, जब तुम समझाने की मतलब एक्टिंग कर रहे हो कि तुम्हारे सामने कोई है, सपोज कर लो ना, मान लो, या खुद को ही समझा लो, और समझाते टाइम अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर लेना अपने फोन में, ठीक है? रिकॉर्ड कर लेना, नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें वो रिवाइज करना हो तो तुम खुद की वॉइस को सुनना, तुम्हें बहुत मजे आएंगे, ठीक है? तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और तुम्हें चीजें देखना, तुम खुद कहोगे कि हमें तो याद हो रहा है, और सच्ची में तुम्हें याद हो जाएगा। ये चीज तुम कर सकते हो, करके देखना, ठीक है? अब एक चीज और आती है, ये चीज ये है कि रिविजन जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने नोट्स को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फटाफट हो गया, ये मत करा करो। तुम्हें करना क्या है रिवीजन में, रिकॉल करने की कोशिश करनी है। ये नहीं तुम अपने नोट्स को देखे जा रहे हो गया, नहीं, नोट्स को साइड रखो, मतलब नोट्स को खोले रखो बट थोड़ा साइड रखो, और खुद रिकॉल करने की कोशिश करो कि इसमें क्या लिखा है, नोट्स में मैंने क्या लिखा था। तुमने बनाए थे ना तो तुम्हें तो याद होना चाहिए। तो तुम क्या करो, खुद याद करने की कोशिश करो, जो चीज़ नहीं याद आ रही उसको देख लो, बट ये नहीं है कि तुम फटाफट पढ़ रहे हो, ये मत करा करो। खुद याद करने की कोशिश करो कि इसमें मैंने क्या पढ़ा था, इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। और मेन चीज़ एक और बहुत अच्छी बात होगी अगर तुम उसको लिख रहे हो तो, मतलब जो भी चीज़ तुम्हें याद नहीं हो रही, जो भी कॉन्सेप्ट है तुम्हें बहुत मुश्किल लग रहा है, तुम एक पेन पेपर लो और उसकी समरी लिख दो, छोटा सा, मतलब एक पैराग्राफ लिख दो, या पूरे चैप्टर को 1 पेज में 2 पेज में समराइज करके लिख लो जो भी तुम्हें उसमें आता है, तो तुम्हें तब भी याद हो जाएगा। ये मतलब टिप्स तुम्हें पता भी होगी, बट यही है ना कि पता होते हुए भी हम नहीं करते इस चीज़ को। और तब एक और चीज़ रिविजन में हम गलती पता है क्या करते हैं, ये करते हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं, हमने क्या करा, एक चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म, ठीक है, 2 दिन बाद हम उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो हमने रिवाइज कर लिया, फिर हम 1 हफ्ते बाद रिविजन कर रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं,
फिर हमने दोबारा रिवीजन करी, फिर भी नोट्स पढ़ रहे, ये मत करो, रिवीजन को भी ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ। तुमने फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ लिया, आज मान लो तुमने फर्स्ट टाइम कोई भी बिजनेस स्टडीज का ले लेते हैं चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तुमने पढ़ लिया, ठीक है, अब तुम दो दिन बाद उसको रिवाइज करो, दो दिन बाद तुम उसको रिवाइज करो अपने नोट्स से, तुम्हारे जो नोट्स बने हुए हैं या फिर तुम्हारी बुक में समरी दी हुई है या फिर तुम किसी की वन शॉट देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तुम उसकी रिवीजन कर रहे हो, कर ली। उसके बाद जब तुम सेकंड रिवीजन करोगे, तुमने मान लो एक हफ्ते बाद सेकंड रिवीजन करनी है, अब तुम ये मत करो कि तुम बुक पढ़ रहे हो तुम नोट्स से रिवाइज करो, ये नहीं करना, तुम्हें करना है उसका टेस्ट देना है, ठीक है, तुम क्या करोगे उसका टेस्ट दोगे, टेस्ट दे दिया, अब जब तुम थर्ड बार रिवाइज कर रहे हो तो तुम और नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे रिवीजन करते टाइम, या फिर तुम सिर्फ केस स्टडीज की प्रैक्टिस करोगे रिवाइज करते टाइम, जिससे तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे, तुम्हारी रिवीजन भी हो जाएगी, तुम्हें चीजें याद भी रहने लग जाएंगी, क्योंकि देखो तुमने पता है, तुम्हें प्रिंसिपल्स 14 के 14 प्रिंसिपल्स तुम्हें पता है, तुम्हें आते हैं, बट तुम याद कैसे करोगे, जब तुम केस स्टडीज में उनको अप्लाई करोगे ना तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें कितना आता है कितना नहीं, कितने उसमें से याद है, समझ रहे हो। और तुम क्या कर सकते हो, मेमोरी मैप्स बना सकते हो, और फॉर्मूलाज के लिए फॉर्मूला चार्ट बना सकते हो, बहुत छोटी छोटी टिप्स है तुम्हें पता होगी ये, बट करते नहीं है हम, ठीक है, वही बात फिर से मैं कह रही हूँ। हाँ, एक और तुम्हारी स्लीप बहुत ज़्यादा मैटर करती है, पता, अच्छी स्लीप लिया करो, 7-8 घंटे की आराम से सोया करो, और अर्ली मॉर्निंग में जब भी तुम उठते हो, मुझे नहीं पता कितने बजे उठते हो तुम, 5 बजे 6 बजे 7 बजे 10 बजे उठते हो, तो उठते ही के साथ ना वो चीज़ पढ़ा करो जो तुम्हें याद नहीं हो रही, मतलब जो तुम्हें बहुत मुश्किल लग रही है चीज़ें, उसको तुम बहुत, मतलब सुबह उठते ही पढ़ोगे ना तो तुम्हें आराम से याद हो जाएगी, देख लेना। तो बस आज की वीडियो में इतनी थी, मतलब आज की वीडियो बहुत छोटी सी थी, बेसिक सी थी, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या कुछ कर रहे हो तुम प्लीज़, और तुम्हारे प्री बोर्ड्स कब होने वाले हैं ये भी मुझे बताना, और कोई भी डाउट हो वो भी बता देना।